नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का आप ही के चैनल अदिसी वे स्टोरीज बिगिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कथाओं का बहुत महत्व है। पुराणों में तो कथाएं हैं ही, पर वेद हों या फिर उपनिषद, सभी ग्रंथों में कथाएं आई हैं। इन कथाओं का जो एक पर्पस है वो यही है कि जो बातें हमें अमूमन समझने में दिक्कत होगी या फिर जिन बातों को समझने में समय लगेगा, उन बातों को यदि हम कथाओं के माध्यम से सामने रखेंगे तो बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में हम तक पहुंच जाएंगे और हम उन कथाओं का जो भाव है उसको भी अच्छे से पकड़ पाएंगे। कथाओं में हमेशा कुछ न कुछ सीख रही है, और भले ही वो कथाएं एंटरटेनमेंट के लिए ही क्यों ना हो, थोड़ा हंसी मजाक के लिए ही क्यों ना हो, भारतीय संस्कृति में हर कथा के पीछे कुछ न कुछ बड़ा पर्पस रहा है। वो भले ही पंचतंत्र की कथाएं हो या फिर जातक टेल्स। और आज जब हम पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं तो इनकी कहानी में भी कैसे कोई सीख नहीं हो। दोस्तों, हनुमान जी की आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, उनके बाल्यकाल की कथा जहां पर वो सूर्य को निगलने के लिए चल पड़े थे, या फिर किसी ऋषि को तंग करते हुए उनसे शरारत करते हुए स्वयं ही श्रापित हो जाना, या फिर जब वे बड़े हुए तो फिर किस तरह उन्होंने 100 योजन समुद्र को पार किया, लंका का दहन किया, सीता माता की खोज करी और किस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता करी। इन सभी कथाओं में आपने हनुमान जी के वीर रूप की, उनके बजरंगी रूप की बात अवश्य सुनी होगी। बजरंगी का अर्थ है जिसका अंग वज्र के समान है, वही बजरंगी है। तो हनुमान जी के उस रौद्र रूप को तो हमने कई बार सुना है, उसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है, पर हनुमान जी का चरित्र कितना सौम्य भी है, आज की कथा उसी के बारे में है। और हनुमान जी को हमने हमेशा से राम भक्त ही जाना है, पर हनुमान मात्र भक्त भी थे, और आज की कथा इस ही के बारे में है, हनुमान जी के सौम्य चरित्र और उनकी मात्र भक्ति के बारे में। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और जब ये कथा आप सुन लें और आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट भी करें। मैं आपको 10 सेकंड बाद फिर से मिलता हूं। कथा बहुत सुंदर है, छोटी सी है, अंत तक देखिएगा, आनंद आएगा। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब लंका में श्री राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का वध हो चुका था और विभीषण जी का भी राज्याभिषेक हो गया था। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी फिर से अयोध्या लौटने के लिए उत्सुक थे, और उनसे भी ज्यादा उत्सुक थे सभी वानर, ऋक्षराज, जामवान और विभीषण जी भी। उन सभी को श्री राम का राज तिलक देखना था। अभी उन्होंने श्री राम को वनवासी राम के भेष में देखा था, अब इन सभी को श्री राम को राजा राम के रूप में देखना था। तो फिर अब क्या हुआ, पुष्पक विमान को लाया गया। पुष्पक विमान वही विमान है जो रावण ने अपने भाई कुबेर से हथियाया था, और अब रावण के बाद वही पुष्पक विमान विभीषण जी ने श्री राम को भेंट दिया। पुष्पक विमान कुछ ऐसा था कि उसे अपने मन की गति से, अपने मन से चलाया जा सकता था, रोका जा सकता था, और उसमें कितने ही लोग एक साथ चढ़ सकते थे। तो पुष्पक विमान पर सभी वानर, वानर सेनापति, ऋक्ष, जामवान, विभीषण जी सभी एक साथ हो लिए, और फिर वो पुष्पक विमान उड़ा। लंका से होते हुए वो पुष्पक विमान अयोध्या की ओर हो चला। रास्ते में आई किष्किंधा, वानरों की नगरी।
तो श्री राम ने ये सोचा कि इतने महीनों से ये सभी वानर मेरे लिए, मेरे कारण अपने परिवार से दूर रहे हैं और अभी भी ये सभी मेरे ही लिए अयोध्या के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि इन सभी को इनके परिवार वालों से मिलाया जाए, सभी आनंदित हो जाएंगे। उसी क्षण पुष्पक विमान किष्किंधा की ओर उतरा। वहां पर एक पहाड़ी पर वो उतर गया। जैसे ही वो विमान किष्किंधा की एक पहाड़ी पर उतरा, सभी वानर इतने प्रसन्न हुए कि कूद कूद कर, उछल उछल कर वो उस पहाड़ी से नीचे उतरे और अपने अपने घर की ओर भाग चले। इतने महीनों बाद अपने परिवार वालों से मिलने का ये सुनहरा, एक सुंदर सा अवसर जो था। अब श्री राम भी उतरे, माता सीता और लक्ष्मण जी भी उतरे। विभीषण जी उनके पीछे खड़े थे। अब जब श्री राम ने देखा कि सभी वानर अपने अपने घरों को हो लिए हैं, अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई वगैरह से मिलने के लिए सभी लोग चले गए हैं, तो श्री राम को भी बहुत अच्छा लगा। पर तभी उन्होंने देखा कि हनुमान जी एक पत्थर पर बैठे हुए श्री राम को ही देखे जा रहे हैं। श्री राम को थोड़ा सा अचरज हुआ। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, आप कहीं नहीं जा रहे? हनुमान जी ने बोला, प्रभु आपकी आज्ञा चाहिए। मैं बस सोच रहा था कि बहुत समय हो गया है माता से मिले हुए, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं माता अंजना से मिला हूं। श्री राम ने कहा नहीं। श्री राम ने कहा नहीं, आप अकेले नहीं मिलेंगे। क्या आपकी माता से मिलने का ये सुअवसर हम ऐसे ही जाने दें? हम सभी आपकी माता से मिलने चलेंगे। प्रभु के ये वचन और हनुमान जी के चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान। हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। श्री राम जी को वो अपनी माता से मिलाने के लिए चल पड़े। कुछ ही क्षणों में वो अपनी माता के पास पहुंचे। माता जी को मां कहकर पुकारा। अपनी संतान की पुकार कहीं से भी आए, कौन सी माता नहीं पहचान पाएंगी? अंजना माँ अपनी कुटिया से बाहर आई, उनकी आंखों में आंसू थे और उधर हनुमान जी की भी आंखों में झर झर करके आंसू टपक रहे थे। कितना समय हो गया था अपनी माता से मिले हुए। हनुमान जी लपक कर अपनी माता की गोदी में चढ़ गए। उनकी माता उनके बालों को सहला रही थी और रोए जा रही थी और उधर हनुमान जी, वीर हनुमान, बजरंगी हनुमान, जिन्होंने एक मुक्के से रावण को बेहोश कर दिया था, जिनकी गर्जना से कितने ही राक्षस थर थर करके कांपते थे, उन हनुमान जी को अपनी माता की गोदी में ऐसे सर रख कर रोते हुए देख सभी भाव विभोर हो गए। कितना सुंदर क्षण रहा होगा, जरा इमेजिन करके देखिए। हनुमान जी, बजरंग बली, जिन्हें हम हमेशा कोई पहाड़ उठाए हुए या फिर अपने बॉडी दिखाते हुए देखते हैं, वो अपनी माता की गोदी में सिर रखकर रो रहे हैं। कुछ समय बाद माता अंजना ने हनुमान जी से पूछा, पुत्र ये सभी कौन हैं? तो हनुमान जी ने कहा, माता ये प्रभु श्री राम हैं, ये उनकी भार्या देवी सीता हैं और ये उनके भ्राता लक्ष्मण जी हैं। ये सुनते ही माता अंजना अति प्रसन्न हुई, उठकर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श करे। तब देवी अंजना ने हनुमान जी से कहा, पुत्र जो तुमने आज किया है ये जन्मों तक याद रखा जाएगा। माता का ऋण कोई भी पुत्र या पुत्री चुका नहीं सकते हैं, पर आज तुम उऋण हो गए हो। उऋण यानी वो जिसके ऊपर से ऋण उतर चुका है, ऐसा
एक माता अपने पुत्र के लिए कह रही है। माता अंजना हनुमान जी के लिए कह रही है कि पुत्र, आज जो तुमने मुझे प्रभु श्री राम से मिलवाया है, इस क्षण को प्राप्त करने के लिए साधु सन्यासी ऋषि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, कितने ही देव राक्षस योनि में जन्म लेने के लिए आतुर होते हैं कि इसी बहाने प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे और उनके हाथों हम मारे जाएंगे, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। आज तुमने मुझे यूं ही प्रभु श्री राम के दर्शन करा दिए, तुम एक मां के ऋण से मुक्त हो चुके हो। पुत्र पुत्र हनुमान, तुम आज उऋण हो गए हो। बहुत बड़ी बात है ये। अब ये सुनकर हनुमान जी फिर से रोने लगे, माता की गोदी में फिर से सर रख लिया। कुछ देर बाद उत्सुकता से वो उठे और बोला, माता मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हुआ। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। वे वन में ही थे कि रावण ने भेष बदल करके माता सीता का अपहरण कर लिया और इस तरह से हनुमान जी ने सारी राम कथा माता अंजना को सुनाई। ये सब बताया कि किस तरह से रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, कितनी त्रासदी में रखा गया था, कितनी राक्षसियां माता सीता को घेर करके प्रतिदिन प्रतिक्षण उनकी निगरानी करती थी। अकेले 1 वर्ष तक माता सीता रावण के यहां रही थी और किस तरह प्रभु श्री राम को वन वन भटकना पड़ा, किस तरह उन्हें पत्थरों का एक सेतु बनाना पड़ा, किस तरह लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और हनुमान जी को हिमालय जाकर के संजीवनी बूटी लानी पड़ी। ये सभी कहानी हनुमान जी माता अंजना को सुना ही रहे थे कि तभी सभी ने देखा कि माता अंजनी, जिनका चेहरा अभी तक खिला खिला था, आंखें भीनी भीनी थी, अब इन सभी बातों को सुन करके माता अंजना की आंखें लाल होती जा रही थी, उनका चेहरा बदल रहा था, उनकी भौहें टेढ़ी हो रही थी, यानी उन्हें क्रोध आ रहा था। तभी उन्होंने हनुमान जी को शंकर सुवन केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान को अपनी गोदी से झाड़ दिया, यानी उनके सर को उठा करके दूर रख दिया, फेंक दिया। ये ऐसी घटना थी जिसको देख वहां पर जितने भी लोग थे सभी के सभी अचरज में पड़ गए, सभी के सभी अचंभित हो गए, स्तंभित हो गए, रुक गए, जो भी काम कर रहे थे। बजरंग बली के साथ ये क्या हुआ? उनकी माता उन्हीं पर क्रोध कर रही हैं। बात यहां तक नहीं रुकी, हनुमान जी कुछ समझ नहीं पाए, वो हाथ जोड़ करके माता को बस देखते रहे। तब माता अंजना ने कहा, पुत्र अभी तो मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम उऋण हो गए हो, पर ये सारी कथा सुनकर मुझे तुम पर घिन आ रही है, तुमने मेरे दूध की लाज नहीं रखी, तुमने मेरा नाम मेरे दूध की शक्ति को मिट्टी में मिला दिया है, ये कैसे कार्य कर लिया तुमने? पुत्र तुमसे इस बात की अपेक्षा नहीं थी। ये तो और बड़ी बात हो गई, आसपास खड़े सभी लोग और ज्यादा शौक में चले गए, ये क्या बोल रही हैं देवी अंजना। श्री राम ने स्वयं कहा कि हनुमान जी के कारण ही वे माता सीता से पुनः मिल पाए, जामवान ने, जिन्होंने पृथ्वी के कितने ही चक्कर लगा लिए थे, जो कि चिरंजीवी हैं, उन्होंने स्वयं हनुमान जी से कहा था कि पवन पुत्र यदि आप नहीं हो तो ये युद्ध हम नहीं जीत पाए। ऐसे पवन पुत्र को
उनकी ही माता कह रही हैं कि उन्होंने माता का नाम मिट्टी में मिला दिया। बात को समझ में नहीं आ रही थी क्या हुआ। तब माता अंजना ने आगे कहा कि पुत्र हनुमान, तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हुआ कि प्रभु श्री राम को पत्थरों का एक सेतु बनाना पड़ा? ऐसा कैसे हुआ कि तुम्हारे होते हुए लक्ष्मण जी को तीर जाकर चुभा? ऐसा कैसे हुआ हनुमान कि तुम्हारे होते हुए राम लक्ष्मण को बंदी बना करके अहिर रावण समुद्र के अंदर पाताल लोक में लेकर चला गया? हनुमान, तुम्हारे होते हुए श्री राम को, प्रभु श्री राम को इतनी सारी यातनाएं सहन करनी पड़ी, ऐसा कैसे हो गया? कहां गया वो तुम्हारा बल? तुम तो शंकर सुवन हो, तुम तो केसरी नंदन हो, तुम तो पवन पुत्र हो, क्या अब मेरा जो दूध था उसकी शक्ति अब तुम्हारे शरीर में नहीं है क्या? ऐसा कैसे हो गया हनुमान? इन्हीं सभी बातों को सोचकर मुझे तुम पर बड़ा क्रोध आ रहा है। दोस्तों, ये ऐसी बात है कि किसी को भी ये अचरज में डाल देगा, किसी को भी ये शौक में भेज देगा। अब सोचा जाए तो बात तो सही है। हनुमान जी को अतुलित बल धामम, हेम शैलाब देहम, धनुज वन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये कहा गया है। अतुलित बल के धनी हैं हनुमान। तो ऐसा कैसे हो गया कि श्री राम को ये सभी स्वयं करना पड़ा? अब लॉजिक लगाया जाएगा तो बात तो सही है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी इन सभी बातों को बस हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए और आंखों से आंसू बहाते हुए शांत भाव से, सौम्य भाव से सुनते जा रहे थे। अपनी माता की इन बातों को ना ही उन्होंने एक क्षण के लिए काटा, ना ही अपनी माता को उन्होंने रोका, ना ही अपनी माता की बातों पर ना में उन्होंने सर ही हिलाया। बस खड़े होकर अपनी माता की बातों को समझने के लिए हाथ जोड़कर सुनते रहे, और ताकि उनकी माता को यह न लगे कि हनुमान जी को बातें बुरी लग रही हैं, मंद मंद मुस्कुराते भी रहे। पर माता क्रोधित हैं, इस कारण रोते भी रहे। सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य। अब जब माता अंजना ने हनुमान जी को जी भर के कोस लिया, डांट दिया, तब बड़े ही नम्र भाव से, बड़े ही शांत भाव से हनुमान जी ने माता से कहा, माते, आपकी सारी बातें सही हैं, आपने जो जो कहा सब सही है, परंतु माते, आपके दूध की शक्ति मेरे शरीर में अभी भी है और प्रभु का आशीर्वाद इतना है, यदि मुझ पर होता, यानी यदि मुझे डिसाइड करना होता कि इस युद्ध को किस तरफ लिया जाए, तो रावण क्या मां, आपके दूध की शक्ति इतनी है कि पूरी की पूरी सोने की लंका, वो महल, और वो महल ही क्या, महादेव का आशीर्वाद मेरे पास है कि उस पूरी लंका नगरी को मैं एक हाथ से उठा करके आकाश की ओर फेंक सकता था। माता, आपके दूध की शक्ति इतनी है कि मैं रावण को एक हाथ से उठा करके उसे पृथ्वी पर ऐसा पटक सकता था कि वो सातवें पाताल लोक तक पहुंच जाता। माता, मैं सत्य कह रहा हूं, आपके दूध की शक्ति अद्भुत है, आपके दूध की शक्ति मेरे शरीर में अभी भी मुझे ऊर्जा दे रही है।
महादेव का आशीर्वाद तो है ही, प्रभु श्री राम का भी पूरा पूरा साथ है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं माता जो मैं प्रभु श्री राम के लिए नहीं कर सकता था। परंतु माता मुझे ये सभी करने की अनुमति नहीं थी, ये अनुमति मुझे गुरु तुल्य गुरु समान श्री जामवान जी से नहीं मिली थी। तो हे माता, आपके दूध का ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा, आपके दूध का ऋण मैं कभी उतारना भी नहीं चाहता। माते, आपके दूध की शक्ति मेरे शरीर में आजीवन रहेगी और इसी कारण मैं आपके उस ऋण के प्रति कृतज्ञ हूं। जब हनुमान जी ने यह सब कहा तो जामवान जी से रुका नहीं गया। जामवान जी ने भी माता अंजना को प्रणाम करके कहा, देवी हनुमान का एक एक वाक्य सत्य है, हनुमान जी जो कह रहे हैं सत्य है, मैंने ही हनुमान को अपनी शक्ति को सीमित करके उपयोग में लाने के लिए कहा था। उसका कारण है माता, प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ है, विष्णु जी का जो राम अवतार हुआ है, उसका एक कारण है। यदि हनुमान अपनी शक्ति का प्रयोग करते तो उस अवतार का जो कारण है वो पूरा ही नहीं हो पाता। तो इसी वजह से, इसी कारण मैंने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति का केवल 2-3% ही युद्ध में प्रयोग करना। और इसी कारण श्री राम को कुछ कुछ यातनाएं सहन करनी पड़ी। तब श्री राम ने भी हाथ जोड़कर माता अंजना से कहा, देवी पवन पुत्र को, बजरंग बली को, हनुमान जी को कृपया करके क्षमा कर दें। इनके जैसा मित्र, इनके जैसा भक्त, इनके जैसा शिष्य तो कभी हुआ ही नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगा। दोस्तों, जब श्री राम ने, जामवान ने और स्वयं हनुमान जी ने भी हाथ जोड़ करके माता अंजना से विनती करी, तब कहीं जाकर माता अंजना का क्रोध शांत हुआ। ये कथा हनुमान जी के चरित्र, उनके सौम्य भाव और उनकी मात्र भक्ति के बारे में अपने आप से ही सब कुछ कह देती है। मुझे कुछ भी इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के इसी चरित्र को हम बस प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि इस चरित्र का कुछ हल्का सा तिनका मात्र भी हमें यदि वो प्रदान कर सकें तो हमारा पूरा जीवन आनंदमय व्यतीत हो जाए। और जिस तरह हनुमान जी मात्र भक्त रहे, मेरी आप सभी से विनती है कि आप भी हनुमान जी को याद कर अपनी माता को प्रतिदिन प्रणाम करें, उनका आपके प्रति किया गया हर एक कार्य, सभी कार्य को आप ऋण माने और उनके प्रति आजीवन कृतज्ञता का भाव रखें। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को जाने की अनुमति दीजिए। जय बजरंग बली, जय श्री राम। अदि सीवे स्टोरीज बिगिन।